लोगों से हम आग्रह करेंगे आपको के माध्यम से कि उस कार्यक्रम में उपस्थित हो, ताकि बक्सर का एक जो इतिहास है वो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में तिरंगा यात्रा के नाम से लोग बक्सर को जाने। गोल लगा तनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर से पहले एगो शेरो शायरी सुन ली सब है। दिल में जोश खून में रवानी भारत के पहचान हो तिरंगा, ना झुकल बा ना झुके दियाई कहे से कि हमार जान हो तिरंगा। देश के आजाद करावे में जितना लोग अपन बलिदान भइले बलिदानी देले प्राण त्याग देले अंग्रेज के जुल्म सहले आज हमनी के आजाद हो गई नी जा। ये आजादी के जश्न मनावे में पूरा जोश खरोश लगा देले बा एगो संस्थान जेकर नाम हो अंत्योदय सेवा संस्थान। नमस्कार, हम चंद्रशेखर सिंह। खबर विस्तार से सुनी। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर निकालल जाए तिरंगा यात्रा। बक्सर शहर में दूसरा बार 205 मीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकालल जाए। यह तिरंगा यात्रा में पिछला साल भी निकालल गई रहे, जवन की कवलदह पोखरा से होत वीर कुंवर सिंह चौक पे जाके समाप्त हो गई रहे। यह यात्रा में शामिल होके खातिर अनेक स्कूल के छात्र छात्रा एनसीसी कैडेट शामिल भइल रहन। यह बार भी यह संस्थान के प्रमुख गीतू तिवारी बतैनी कि एनसीसी कैडेट के अलावे स्कूल के छात्र छात्रा में सम्मिलित हुई हैं। ये बतैनी कि स्वतंत्रता सेनानी या वीर शहीद जवान के याद में तिरंगा यात्रा निकालल जाला। तिरंगा यात्रा में शामिल लोग गगन भेदी नारा लगावेलन, जैसे भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर जवानों अमर रहो। ये तिरंगा यात्रा के सड़क पे निकलला के बाद चारों ओर सिर्फ वीर जवानों अमर रहो के नारा गूंजे लगेला। यह कार्यक्रम के सफल बनावे में अंत्योदय सेवा संस्थान के महत्वपूर्ण भूमिका बटुए। यह तिरंगा यात्रा में शामिल अनेक शैक्षणिक संस्थान के बच्चा झांकी भी प्रस्तुत करेलन। गणतंत्रता दिवस के अवसर पे एक दिन पहले ये कार्यक्रम रखल गेल बटुए। एकर जानकारी देत अंत्योदय सेवा संस्थान के गिट्टू तिवारी कहनी कि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य यह बटुए कि वीर जवान के सच्ची श्रद्धांजलि तबे मिली जब हमनी के देशभक्ति के जुनून देश के अंदर बनल रही। गणतंत्रता दिवस के अवसर पे महर्षि विश्वामित्र के तपोभूमि बक्सर में 250 मीटर तिरंगा यात्रा निकालल जाए, जौन 25 जनवरी 2021 के सुबह 11 बजे से कवलदह पोखरा स्टेशन रोड से शुरू हुई। एकर आयोजन मंडल पूरे बक्सरवासी से अपील कैले बने कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होखी, काहे से कि यह देश के स्वतंत्र करावे में हर वर्ग हर धर्म के लोग शामिल रहन। यही से आज हमनी के देश धर्म निरपेक्ष देश कहल जाला। एह में ना कोनो जाति बा, ना कोनो धर्म बा, ना कोनो पार्टी बा, ना कोनो पटिशन बटुए। एह में सिर्फ और सिर्फ बात देशभक्ति या जुनून आ जज्बा। यह जज्बा में शामिल होके यह तिरंगा यात्रा के सफल बनावे खातिर ये लोग अपील कैले बा। सुनी बयान। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। और पिछले वर्ष के तर्ज पर हम लोगों ने एक जैसे कि अहमदाबाद से हम लोग एक बड़े भाई हैं उनके माध्यम से जो हमने वीडियो देखा था उसी के तर्ज पर हम लोगों ने पहली बार पिछले वर्ष बक्सर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और बहुत सहयोग मिला। और इस बार भी हम लोग करीब 40 दिनों से लगे हैं और 205 मीटर पिछले वर्ष हम लोगों ने निकाला था, इस वर्ष 250 मीटर का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। तमाम लोगों का सहयोग मिल रहा है। एक देश प्रेम और एकता जो बना रहा है युवाओं में, उसके लिए हम लोग बक्सर के युवाओं को एक मंच पर एक साथ एक सिद्धांत और एक नीति को जोड़ने के लिए यह तिरंगा यात्रा का आयोजन करते हैं। साथ ही गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर और शहीदों के याद में यह बहुत बड़ा आयोजन हम लोग करते हैं।
और तमाम इस आयोजन में बक्सर के जो शिक्षा संस्थान हैं, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी विद्यालय हैं, तमाम बच्चे और शिक्षक इसमें उपस्थित होते हैं। लोगों से हम आग्रह करेंगे आप लोग के माध्यम से कि उस कार्यक्रम में उपस्थित हो, ताकि बक्सर का एक जो इतिहास है वो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में तिरंगा यात्रा के नाम से लोग बक्सर को जानें।